हेलो फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम आपको सिखाएंगे लॉगिन पेज के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लॉगिन पेज का डिज़ाइन बनाएंगे HTML में। अब हम रजिस्ट्रेशन पेज की कोडिंग को ओपन करेंगे जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाया था। इसमें से हम फॉर्म की कोडिंग को कॉपी कर लेते हैं। सेंटर में हम लॉगिन फॉर्म लिखेंगे। फॉर्म के अंदर टेबल हेडिंग में हम टेबल का हेडिंग लॉगिन फॉर्म देंगे। फील्ड्स में हम दो फील्ड्स ही रखेंगे, ईमेल और पासवर्ड की। और बटन में हम बटन की वैल्यू लॉगिन देंगे। अब हम इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए वैम्प में www नेम के फोल्डर में, जहां हमने फर्स्ट नेम से फोल्डर क्रिएट किया था, वहीं पर किसी भी नेम से .php एक्सटेंशन लगाकर इसे सेव कर लेते हैं। वैम्प सर्वर को ऑन करेंगे। ब्राउज़र को ओपन करके लोकल होस्ट स्लैश अपने फोल्डर का नेम फिल करते हैं। हमने लॉगिन डॉट पी एच पी बनाया था, इसे ओपन करते हैं। हमारा लॉगिन फॉर्म तैयार हो गया है। ये वैल्यू हमारी डाटाबेस में जाएंगी, उसके लिए हम लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन ओपन करते हैं। हमने पिछले वीडियो में डाटाबेस क्रिएट किया था वेब नेम से, इसे ओपन करते हैं। उसके अंदर टेबल REG, इसमें हमने थ्री फील्ड्स ली थी, फर्स्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड की। इसे ही हम यूज़ कर लेंगे। अब हम डाटाबेस का कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। डाटाबेस का कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हम MySQLite कनेक्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। उसमें लोकल होस्ट, रूट और पासवर्ड को ब्लैंक रखा था और लास्ट में अपने डाटाबेस का नेम देना है। अब हम बॉडी के अंदर PHP की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। हम इफ स्टेटमेंट के अंदर इसेट फंक्शन यूज़ करेंगे, उससे कि हम लॉगिन पर क्लिक करने से हमारी सभी वैल्यू सेट हो जाएंगी। अब हम क्यूरी लगाते हैं। क्यूरी के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम जो हमने डाटाबेस में बनाया था REG,
वेयर, जहाँ अपने डेटाबेस के फील्ड्स के नेम, ईमेल और पासवर्ड, सिंगल कोट्स के अंदर हम ईमेल लेंगे जो हमने फील्ड्स में नेम लिया था, ईमेल सेम नेम डॉलर साइन ईमेल। क्यूरी को रन करने के लिए हम MySQLite क्यूरी फंक्शन यूज करेंगे। इफ स्टेटमेंट के अंदर क्यूरी को रन करेंगे। डॉलर साइन सेशन यूज करेंगे हमारी फील्ड्स के ईमेल और पासवर्ड। हेडर यूज करेंगे, इसमें हमें पेज का लिंक देना है लॉगिन पर क्लिक करने से, जिस पेज पर हमें ओपन करना है। एल्स में हम इको के अंदर मैसेज प्रिंट करवाएंगे, लॉगिन नॉट सक्सेसफुल। अब हम इसे सेव कर लेते हैं और एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं।
बॉडी के अंदर हम वेलकम प्रिंट करवाएंगे। अब हम इसे सेव कर लेते हैं किसी भी नेम से .php एक्सटेंशन लगाकर। अब हम हेडर में इसका लिंक देंगे। www.php। अब हम इसे सेव कर लेते हैं और रन करते हैं। यहाँ पर हम ईमेल और पासवर्ड फिल करेंगे जो हमने डेटाबेस में दिया है। और इसे लॉगिन करते हैं। हमारा वेलकम प्रिंट हो गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।